बढ़ते हैं आगे और बात बिहार की राजधानी पटना की करते हैं। पटना में एक शादी कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गई। दूल्हा को कोरोना के लक्षण थे, बावजूद इसके लोगों ने उसकी शादी करा दी। नतीजा दूल्हे की मौत हो गई। इतना ही नहीं, शादी में शामिल हुए 95 मेहमान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शादी में कोरोना की जानलेवा एंट्री, दूल्हे की मौत, 95 मेहमान संक्रमित। बिहार में पटना की एक शादी को कोरोना की ऐसी नजर लगी कि शादी के सपने संजोने वाला दूल्हा दुनिया से ही चल बसा। ये मामला पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पालीगंज इलाके का है, जहां पर 15 जून को एक शादी में शामिल 95 मेहमान कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें से 80 लोगों की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि कोरोना लक्षण देखने के बाद भी दूल्हे की शादी कराई गई। शादी के दो दिन बाद दूल्हे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 30 साल का दूल्हा गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और शादी करने के लिए 12 मई को पटना में अपने गांव डीह पाली आया था। इसी दौरान उसके अंदर कोविड-19 के लक्षण पाए गए, मगर परिवार वालों ने जांच कराने के बजाय उसकी शादी करवा दी। शादी के दो दिन बाद ही उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और पटना एम्स ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की भनक जब जिला प्रशासन को लगी तो शादी में शरीक हुए सभी मेहमानों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 80 लोगों की रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई। हालांकि कोविड-19 जांच में दुल्हन संक्रमित नहीं मिली और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि शादी में 50 लोगों की इजाजत थी, लेकिन समारोह में पूरा गांव आया था। प्रशासन इसके लिए आयोजकों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि जिम्मेदारी तो प्रशासन की भी थी। जाहिर है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कोरोना काल में शादी में ऐसी बेफिक्री से सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, हम सबको समझना होगा कि